नमस्कार दोस्तों, दारा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि अपनी आर्ट स्टेनोग्राफी की 8 क्लासेस पूरी हो चुकी है, आज अपना 9th क्लास है। और 9th क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों है और से के वैकल्पिक रूप अपन पढ़ेंगे। जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप, व्यंजन है और से के वैकल्पिक रूप। आपको पहले के अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, आज है और से व्यंजनों के वैकल्पिक रूप पढ़ेंगे अपन। है व्यंजन के उधर्वमुखी प्रयोग के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। व्यंजन का अधोमुखी प्रयोग निम्न दिशाओं में किया जाता है। ये हो गया उधर्वमुखी, ये हो गया अधोमुखी। ये क्या है उधर्वमुखी और ये है अधोमुखी, तो अपने को कौन सा पढ़ना है? ये अधोमुखी प्रयोग निम्न दिशाओं में करना है व्यंजन से पूर्व स्वर आए। अगर है व्यंजन के पूर्व में अगर स्वर आता है तो कौन सा है का प्रयोग करना है, ये आपको पता होना चाहिए। कि स्वर अगर पहले आया है तो कौन सा अधोमुखी, अधोमुखी है कौन सा है, ऊपर से नीचे की तरफ जो लिखा जा रहा है उसको प्रयोग में लेना है। जैसे मान लो लिख दिया आ है, ये लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये ऐसे, ठीक है। ओ है लिखना है तो ये ओ है और ये लाइन पे आएगा, ओ है, ठीक है। अब लिखना है अहिल्या, अहिल्या मैं सीधा लिख रहा हूं, हिंदी वाले शब्द नहीं लिखूंगा, अहिल्या, अहिल्या लिखना है तो अहिल्या ऐसे लिखा जाएगा। अहम, अहम लिखना है ये अहम। आगे लिखना है आहार। अब ये है लिखा है तो अपने को पहले ही पता है कि ये आगे इसके स्वर आया तभी ये है लिखा गया है, तो ये लिखा जाएगा अहम। आहार लिखना है तो आहार। अब लिखना है अहलुवालिया, अहलुवालिया, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे कि ले के पहले अगर वे आए तो कौन सा हुक लगाना है, अहलुवालिया, ठीक है। जिस प्रकार ये लिखा हुआ है अहलुवालिया। आगे देखिए, अगर है व्यंजन अकेला हो और उसके बाद द्विस्वर और त्रिस्वर आए। अगर है व्यंजन अकेला है और उसके बाद में द्विस्वर और त्रिस्वर का आए। देखिए, द्विस्वर और त्रिस्वर की 5वीं क्लास है मेरे हिसाब से। 5वीं क्लास में अपन ने द्विस्वर और त्रिस्वर किया था, वहां आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या होते हैं। इसके बाद में अगर है के बाद में द्विस्वर और त्रिस्वर आता है तो कैसा है लिखा जाएगा, अधोमुखी है का प्रयोग किया जाएगा। तो कैसे है ही लिखना है तो ए की मात्रा आ रही है तो ये वाला द्वितीय स्थान वाला आएगा, ए प्लस अन्य स्वर आई, आई है प्लस आई, हुआ, ये लो, ठीक है, हाय, ठीक है, ये लिखना है। यदि है व्यंजन के पूर्व समतल या अंतस्थ व्यंजन आए। है व्यंजन के पूर्व में समतल या अंतस्थ, अंतस्थ कौन कौन से हैं, से कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, से, ठीक है, ये आए तो क्या करना है, अपने को उधर्वमुखी है का प्रयोग करना है। जैसे गुहा लिखना है, गुहा, गुहार, गुहार, कहार, कहार, ऐसे कौन से है का यूज करना है। अगर है व्यंजन से पूर्व समतल आए तो अधोमुखी और अंतस्थ आए तो भी अधोमुखी, तो अंतस्थ में कौन सा लिखेंगे, जैसे शाही,
स्याही, जहीर, ये हो गया जहीर। अब अगर लिखना सहाने, सहाने और जाहिल, जाहिल, ठीक है। अगर अंतस्थ और समतल हो तो है को अधोमुखी लिखा जाएगा। अन्य दिशाओं में है व्यंजन का उधरोमुखी रेखा की स्पष्टता एवं सुविधा के अनुसार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अन्य दिशाओं में क्या करना है का उधरोमुखी रूप में लिखना है और रेखा की स्पष्टता एवं सुविधा के अनुसार लिखना है। देखिए भाई, अगर आपको वीडियो में बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। अब अन्य दशाओं में अगर उधरोमुखी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दोहा लिखना है, दोहा, अगर दोहना लिखना है, दोहना, पहाड़, पहाड़, जैसे बहार, ये हा के साथ में रे का भी साथ में है, रे की लाइन भी डबल कर देंगे तो रे की लाइन भी, दुहाई, दुहाई, ठीक है। फुहार, फुहार, फुहारा, फहराना, ठीक है। जोहरी, अब क्या लिखना है, जैसे मसीहा लिखना है, मसीहा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मसीहा, बिहारी, ठीक है। तो अपनी सुविधा अनुसार जैसे सरल रहे वैसे स्पष्टता के अनुसार लिखना है। प्रारंभिक है का टिक है व्यंजन के बाद यदि मैं, ले या अधोमुखी रे, क्या है, मैं, ले या अधोमुखी रे आए तो प्रारंभिक है को एक छोटे टिक से किया जाता है से पूर्व मैं, ले और अधोमुखी रे और आने पर है व्यंजन रेखा का प्रयोग किया जाता है से पूर्व स्वर आने पर है के लिए टिक का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो हल्ला, मैं, ले और अधोमुखी रे, हल्ला, हीर और हम और एक और कर लीजिए, अधोमुखी रे, ले, मैं, दोनों आगे, मैं, ले और अधोमुखी रे। चलिए हल्ला का लिख लेते हैं अपन, हल्ला, तो हल्ला लिखेंगे तो है के लिए किसका प्रयोग करना है, केवल खाली एक टिक का, हल्ला, ठीक है। हिलाया, हिलाया, अब आ गया हीर, ये आ गया हीर। अब मान लो लिखना है अहीर, अहीर, अब मान लो लिखना है हम, देख लीजिए हम आया है के बाद मैं है, ठीक है, तो टिक का प्रयोग करते हुए लिखेंगे हम, हर एक, हर और एक, हर एक, ये हर एक, हार लिखना है, हिमायती लिखना है, कुछ भी लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, टिक का यूज करना है। और अगर है से पूर्व ये स्वर आ गया जैसे, तो स्वर आने से तो क्या करना है, अहमक, अहमक, ठीक है का उधर उधमुखी उपयोग करना है। अब मान लो माध्यमिक या अंतिम है, यदि है व्यंजन अन्य व्यंजनों में आए और उस पर स्वर या द्विस्वर न हो तो उसे स्वर के साथ एक हल्के बिंदु से प्रकट किया जा सकता है।
जैसे है व्यंजन अन्य व्यंजनों के बीच में आए या उस पर द्विस्वर या त्रिस्वर कुछ भी नहीं हो तो क्या करना है को एक हल्के से बिंदु के द्वारा दर्शाना है। कैसे? जैसे साहा लिखा हुआ है तो सा और ये है, दो बिंदु लग जाएंगे, है का एक बिंदु एक्स्ट्रा, पहलू पहलू, ठीक है, निगाह निगाह है, गा के आगे है कि बिंदी द्वारा, गवाह अब इसको ऐसे ना लिख के अपन कैसे लिखेंगे, गवाह, ठीक है, दो बिंदी के द्वारा अपन इसको ए को दर्शाएंगे, ठीक है। यदि किंतु यदि अंतिम है व्यंजन के बाद में कोई स्वर आए, बहुवचन बिंदी आए, उसे स्थान देने के लिए व्यंजन रेखा की आवश्यकता होती है। अगर स्वर के बाद में है के बाद में अगर स्वर या बहुवचन कोई बिंदी आए तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, है को रेखा का रूप देना पड़ेगा। जैसे राह है, यहां कोई है नहीं, राही, जैसे ही राही हुआ तो यहां पे है को अपने को क्या रेखा के द्वारा प्रयुक्त करना पड़ेगा। उदरमुखी से, व्यंजन रेखा साधारणतः अधोमुखी होती है किंतु निम्न दशाओं में इसका प्रयोग उदरमुखी किया जाता है। जैसे मोटी अधोमुखी रेखाओं के बाद दिशाएं, लिखना है तो ये देखिए ऊपर वाले से का उपयोग किया जा रहा है न कि नीचे वाले का, इस तरफ से जो लिखा जा रहा है उस से का प्रयोग करेंगे। दशा, ये हो गया दशा, विदिशा, विदिशा, ठीक है। अब ऐसे ही भूसा, ये हो गया भूसा, किसका उपयोग करना है, उदरोमुखी सह का उपयोग करना है। तय वर्ग व्यंजनों के दाएं चाप और चय वर्ग है और फ व्यंजनों के बाद, अगर तय वर्ग व्यंजनों के दाएं चाप के बाद में अगर से आता है, दाएं चाप कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब मान लो लिखना है चासा, तो चय वर्ग है और फ के बाद में अगर से आता है तो कौन सा, उदरोमुखी सह लिखना है, चासा लिखना है तो ये चासा। तोसी, ये दायां चाप आ गया, तोसी लिखना है तो स ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। दिशा, ये आ गया दायां चाप, दिशा, ठीक है। स के बाद तय वर्ग फ और भ व्यंजन आने पर विपरीतार्थक शब्दों में, जैसे स के बाद तय वर्ग आ गया, जैसे ये आ गया शुद्ध, शुद्ध आ गया तो क्या करेंगे, नीचे ऊपर से नीचे वाला अधोमुखी स लिखेंगे, अशुद्ध लिखना है। अगर बाद में पहले अगर स्वर आ रहा है और फिर से आ रहा है तो कौन सा लिखा जाएगा, नीचे से ऊपर वाला, शोध लिखना है तो ऊपर से नीचे कोई स्वर नहीं आगे, अशोध लिखना है, जैसे आगे स्वर आ गया तो कौन सा लिखा जाएगा, नीचे से ऊपर वाला। ऐसे ही सभी में शुद्धता में ऊपर से नीचे, अशुद्धता जैसे आगे स्वर आ गया तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे शोधक में ऊपर से और यहाँ अशोधक में नीचे से ऊपर की तरफ वाला से लिखा जा रहा है। अब आगे इसके शब्दाक्षरों में, शब्दाक्षर जो वाक्यांश में बार बार प्रयोग होते हैं वो शब्दाक्षर होते हैं। जहां, शब्द लिखना है, इसके लिए फिक्स आउटलाइन है जहां के लिए, ठीक है। कहां लिखना है, जहां थोड़ा लाइन से ऊपर, कहां लिखेंगे तो कहां आ जाएगा, लाइन के ऊपर। और ये हुआ, हुए, हुई, ये कहां लिखे जाएंगे, लाइन से कट के। चाह और चाहे, ये कहां लिखे जाएंगे, यहां पर लाइन से थोड़ा ऊपर। नहीं शब्द कहां लिखा जाएगा, बिल्कुल लाइन के ऊपर, ठीक है। कहीं शब्द लिखेंगे वो कैसे होगा, कट के। और हृदय लिखना है, हृदय शब्द लिखना है तो है को किससे, टिक के द्वारा, और रे हृदय। अब आ गया अभ्यास नंबर 25।
चलिए पहले संक्षिप्त अक्षर देख लीजिए। महंगा शब्द है, महंगा शब्द की आउटलाइन क्या होगी? ये वाली महंगा, ठीक है। इन्हें लिखना है तो इन लिखो और है को लिख दो इन्हें। उन्हें लिखना है तो पहले उन लिखो और फिर है लिखो। हृदयंगम, हृदय की अभी पढ़ी थी, और अंगम, ठीक है। जगह, जगह लिखना है तो कौन सी आउटलाइन होगी? ये वाली जगह। अब ये इसके वाक्यांश बनेंगे, शब्द और संक्षिप्ताक्षर से क्या बनाना है? वाक्यांश। तो जहां कहीं भी, ये जहां कहीं और ये भी, जहां तहां, जहां और तहां, कहीं नहीं, कहीं नहीं का कहां लिखोगे? कहीं कटके और नहीं इसके बाद में। कहां तक, कहां तक लिखना है तो कहां लिखोगे? लाइन पर। और जहां तक लिखना है तो लाइन से ऊपर। वहां तक और यहां तक, ये हो गया वहां तक और यहां तक। यहीं तक, यहीं तक में क्या होगा? लाइन से काट के लिखना है यहीं तक। नहीं हुए थे, अब आपको लिखना नहीं हुए थे, नहीं हुए और थे। नहीं हुआ था, नहीं हुआ था कैसे लिखोगे? नहीं हुआ था, ये बिंदी लगानी जरूरी है इसमें स्पष्ट करने के लिए, थे थी थे, ठीक है। नहीं हुए होंगे, नहीं हुई थी, नहीं हुई होगी, नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये सब सब एक जैसे हैं, ये कर लेना। नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। दिए हुए थे, दिए हुए थे, ठीक है। दी हुई थी, वहीं तक, वहीं तक। अब जैसे ये लिख लो, नहीं कहा था, ठीक है, नहीं कहा था। अब नहीं लिया गया, नहीं लिया गया, नहीं किया गया, अपने को लिखना नहीं किया गया, नहीं किया गया। नहीं किए थे, नहीं किए थे, नहीं किए हैं, नहीं लिए गए, नहीं लिए ले गए, नहीं किए गए। ये सब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाइए अभ्यास नंबर 24 में, 24 में आपको शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, और 25 और 26 इनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं एक लाइन लिखूंगा आपको, जहां भी हो उसे खोज निकालो, नहीं तो तुमको अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए अपन लिख लेते हैं, जहां भी हो, ये हो, उसे खोज निकालो, उसे खोज निकालो, नहीं तो तुमको भी अंदर जाना पड़ेगा। ये लो, तुमको भी अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। जिसको भी ये क्लास पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल के साथ बने रहें।